ने 100 से ज्यादा देशों को राष्ट्रीय मानक की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्यात शुरू कर दिया है। भारत की मानक संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदारों में कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम के दौरान बीआईएस के उपनिदेशक राजेश बजाज ने कहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद भारत चौथा देश है जो राष्ट्रीय मानकों पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता है। ये जैकेट 360 डिग्री सुरक्षा के लिए जानी जाती है। हमने सभी हितधारकों को साथ लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार किया है और अब सैन्य बल भी इसी मानक के अनुरूप जैकेट प्राप्त कर रहे हैं। वही सैन्य बलों को लंबे समय से इस उत्पाद के लिए गुणवत्तापूर्ण मानक तैयार करने की मांग की जा रही थी। एक बुलेट प्रूफ जैकेट का एक मानक तैयार के विषय बात करने के ठीक बीआईएस के डिप्टी जीजी आर के बजाज साहब। बजाज साहब, ये जो जैकेट तैयार किया आपने, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले से ही मार्केट में इस तरह की जैकेट अवेलेबल है, पार्लियामेंट के प्रोसेस यूज करती है जी। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए या बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट जैसे हम इसको कहते हैं, उसमें भारतीय मानक कोई नहीं था किसी भी प्रकार का, तो अलग अलग एजेंसियों के पास ये काफ़ी दिक्कत हो जाती थी कि अगर जो लिए जाए जैकेट्स उनको किस मानक के अनुरूप लिया जाए। तो नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर मानकों का निर्धारण किया जाए। उसके बाद डिफरेंट पैरामिलिट्री एजेंसीज, डिफरेंट यूज़ करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं और अलग अलग प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स लैब इत्यादि को साथ लेके इस मानक का निर्धारण किया गया, जिसको 17051 नंबर दिया गया है। ये बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट के बारे में है और इसके अनुरूप अगर बनाया जाएगा तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें स्पेसिफाई की गई है। पहले जो स्टील का इस्तेमाल किया जाता था जैकेट में, उसके स्थान पर बोरोन कार्बाइड का इसमें इस्तेमाल कहा गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। ये बनाने के बाद अगर इसके अनुरूप स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर बनाया जाता है प्रोडक्ट, तो उसका वेट काफ़ी कम रहेगा और इसकी, क्योंकि ये देश में निर्मित रहेगा, तो इसकी ये भी उम्मीद की जाती है कि इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम रहेगा। तो ये माना जाए कि अब से पार्लियामेंट्री फोर्सेस या सेना के जवान यही जैकेट का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार जो पैरामिलिट्री फोर्सेज या दूसरी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने टेंडर्स में इस स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना ऑलरेडी शुरू कर दिया गया। इसी बजाज साहब, आज जो बीआईएस का जो मानक तैयार किया था उन्होंने, जो जैकेट है बुलेट प्रूफ जैकेट, उनका मानक तैयार किया था। कैमरा राहुल के साथ कमलेश सिंह, R9 दिल्ली।